गुड आफ्टरनून क्लास, माय नेम इज़ अनुमैरा। टुडे आई विल डिस्कस्ड अबाउट द डिसिप्लिन। ठीक है, आपका टॉपिक है ये कि कैसे हम किसी के साथ डिसिप्लिन में बात करते हैं, करेंगे और करते हैं। ठीक है, अच्छे मैनर्स के साथ। ठीक है, यूनिट आपका फर्स्ट, सब्जेक्ट आपका नया है हेल्थ एंड हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उसका फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता क्या है? प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल्स और अ कोड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हमें क्या है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, अपने बिहेवियर को अच्छा रखना होता है और किसी के साथ हमें डिसओबेसियस मतलब कि रिस्पेक्टफुल ही बात करनी है, किसी के साथ मतलब कि बुरा बर्ताव नहीं करना, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ठीक है, जैसे आपको स्कूल में कॉलेज में भी बोला जाता है कि डिसिप्लिन में रहो, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, वही है जी। ठीक है, नेक्स्ट के इसके अंडर पॉइंट आएंगे कि हम कौन कौन से करेक्टर जो है वो अपने बीच रखेंगे, जिससे हम अच्छे से सबके साथ बात करेंगे, चाहे वो टीचर हो, चाहे आपका क्लासमेट हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, है ना, तो हम उसके साथ अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपको बी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। ठीक है, हमेशा आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या स्टेज यू कंसर्व फॉर योर पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा, आई हैव अ हार्ड टाइम कंसंट्रेटिंग। ठीक है, किया कि हमें मतलब कि डायरेक्टली नहीं ऐसे काम करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए, थोड़ी लॉयल रहना चाहिए। ठीक है, आई कैंट मीट माई डेडलाइंस। ठीक है, इट इज़ हार्ड फॉर मी टू पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमेशा पॉजिटिव वे से रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लिसन केयरफुली, लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग इंस्टेड ऑफ गेटिंग रेडी टू रिएक्ट। ठीक है, हमेशा अगर कोई दूसरा बंदा बात कर रहा है आपके साथ, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा है, तो हमेशा क्या है, पहले उसकी सुननी चाहिए। कभी भी ये नहीं है कि उसको मतलब कि बीच में टोक दो, जो रिएक्ट करने लग जाओ, जो फेस एक्सप्रेशन बनाने लग जाओ, जस्ट पहले उसकी बात सुनो, चाहे वो आपका क्लासमेट हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, मैनेजर हो, कोई भी हो। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड इंटरप्टिंग द अदर पर्सन। अगर कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है तो हमेशा बीच में टोकना नहीं चाहिए, उसकी पहले बात सुननी चाहिए पूरी कि वो किस बहाव पे, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर द अदर पर्सन फिनिश स्पीकिंग रीफ्रेज व्हाट वी सेड टू मेक श्योर टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब नेक्स्ट वही आ गया कि जब वो सेकंड पर्सन जो है वो अपनी बात फिनिश कर लेता है, उसको ख़त्म कर देता है, तो तब क्या है, आप बोल सकते हो और उस चीज़ को क्या मतलब उसको रीफ्रेज करके बता सकते हो कि हाँ ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो गई है। ठीक है, अवॉइड ब्लेमिंग, किसी पर भी कभी भी कोई ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। ब्लेम का मतलब कि किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। फोकस ऑन द फैक्ट, फाइंडिंग फॉल्ट कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसका मतलब है फोकस ऑन द फैक्ट। ठीक है, अगर कोई आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई बात हो गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, उसका मेन मुद्दा देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है, फिर उस चीज़ को फाइंड करना चाहिए फॉल्ट को कि हम हाँ इसको फाइंड करके, क्योंकि अगर हम मतलब बिना किसी क्लियरेंस के कोई बात को हाँ सीधा ही उससे लड़ने लग जाएंगे, तो फिर वो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि वो उसका सलूशन नहीं कोई निकलेगा। अगर हम अच्छे से सोचेंगे, उसको फेस टू फेस कन्फ्लिक्ट को दूर करेंगे, तो क्या है, प्रॉब्लम और सोल्यूशन निकल सकता है बात का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टे फोकस्ड, डिस्कस पर्टिकुलर्स, अवॉइड जर्नलाइजिंग। ठीक है, हमेशा डिस्कस करनी चाहिए। जर्नलाइजिंग का मतलब कि जैसे मतलब अपनी नहीं चलानी चाहिए, हमेशा सब कुछ डिस्कस करके करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड गेटिंग साइड ट्रैक्ट इन टू द डिस्कस अदर पीपल्स। तो ये सेकंड पॉइंट में वही आता कि कभी किसी को ट्रैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा जो प्रॉब्लम है डिस्कस कर लेनी चाहिए। कीप ब्रिंगिंग द कन्वर्सेशन बैक टू द कंसर्न यू हैव स्टेटेड। ठीक है, कीप ब्रिंगिंग द कन्वर्सेशन मतलब कि जो भी आपस में बात चल रही है, उस चीज़ को मतलब समझना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है, ये था आपके सिंपल टॉपिक है डिसिप्लिन के अंडर पॉइंट आते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटी हम अंदर रख के दूसरे के साथ बात करनी है, कैसे हमने लॉयल रहना है, कैसे केयरफुली लिसन करनी है, किसी पे ब्लेम नहीं करना है, हमेशा किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, इनको देख लेना बच्चे।